अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं। मैंने पहले बोला था, मैंने इतने से जूस सेंटर का जूस नहीं पिया था, आइसक्रीम नहीं खाया था, और वो क्या बोलते हैं, सैंडविच भी नहीं खाया सैंडविच था। भी नहीं खाया था तो मैं इंट्रो तो दे दूं मेरा। मैं जुलेखा अरफात, आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज हम लोग आए, जैसे अजान ने कहा, आपको कहाँ है अरफात? हाजी अली जूस सेंटर। हाजी जूस सेंटर। कुछ दिनों के बाद हमने सोचा चलो थोड़ा सा ड्राइव पे जाते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करती चलो, आप लोगों को भी लेके जाऊं। तो आज मैं उसी बेस पे ब्लॉग बना रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगे। और कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा खाएंगे पियेंगे और बस उतना ही। क्या बोलते हो? ग्रिल सैंडविच। हाँ, ग्रिल तो एक ड्राई फ्रूट क्रीम हाँ, और एक सैंडविच ले लो, एक सैंडविच और बस। ठीक है। हम लोग खड़े हैं वार्ड गार्ड की, क्या क्या अच्छा रहे ये चीजें, वेरी यहाँ का बड़ा फेमस होता है अरफात। और ये बच्चों के लिए सेफ है। बच्चों के लिए सेफ है। बच्चों के लिए सेफ है। अच्छा, हमने और ऑर्डर क्या दिया था? सैंडविच और ड्राई फ्रूट क्रीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैन वगैरह है तुम्हारे पास? फैन नहीं है सर, इसके मोटर। अगन और क्या ऑर्डर करना है? अच्छे सैंडविच पता है मुझे, बचपन में हम बहुत आते थे। हम भी सैंडविच बहुत यम्मी है। अच्छा, मैं दिखाई यहाँ कैसे दिखता है? बहुत यम्मी है मम्मा। नहीं दिखाया तो अब तो गया मम्मा। अब तो गया। आज मेरे पिक्चर नहीं लिया आ रहे, मैं भूल गई पिक्चर लेना। अब तो गया। घोर कलयुग अन्याय, क्या बोलते हैं उसको, अन्याय हो गया आज, अन्याय। मैंने पिक्चर नहीं लिया फूड का। कैसा लग रहा है अरफात? बहुत ही आवाज मजा नहीं आया। मैं आपको इसके लिए बोल रही थी वो मंगा दो। यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती खाने की, बट मजा नहीं आ रहा है। हमने गलत वाला ऑर्डर ले लिया और इतना हम लोगों का मूड खराब हो गया इसके वजह से कि मैं क्या बताऊँ, अजान तो खा ही नहीं रहा है। ये वाला मैंगो विद क्रीम। अब एट लास्ट मैंगो विद क्रीम आ गया है। या ये अच्छा है। सी अजान आके देखो, ये अच्छा लगा? ये अच्छा है कि वो वाला अच्छा था? ये अच्छा लगा। ये मैंगो जो था वो अच्छा था, बट उस क्रीम के अंदर फेक और क्रीम दोनों मिक्स कर दी थी कि लोगों को पता नहीं चले, लोगों को लगे कि वो है नॉर्मल क्रीम या मायो। और ये तो ऐसी ही रखी हुई है हमारी, ये क्रीम, ये वाली।
तब भी हमने ड्राई फ्रूट वाले को जैसा तैसा खत्म किया क्योंकि फेंक तो नहीं सकते है ना, फिर उसे खाया। और उसके बाद अजान को मैं ये खिला रही थी सैंडविच। बच्चे तो पता है ना किस तरीके से स्लो स्लो करके खाते हैं। उसके बाद हमारा वैसे भी मूड इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा हमें, तो मूड ऑफ हो गया, हम घर की ओर निकल चले। अस्सलाम वालेकुम। तो आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, मॉर्निंग क्या आफ्टरनून है, और कल हम लोगों का बहुत मूड खराब हो गया तो हम डायरेक्ट घर पे आ गए, आगे कहीं गए ही नहीं। हमारे बहुत प्लान्स थे आगे जाने के, बट हम वहाँ फिर और टाउन में घूम नहीं पाए क्योंकि मजा नहीं आ रहा था। पता नहीं क्यों इतने मूड ऑफ हो गया था हम सबका, और हम आ गए और वो भी क्या बोलते हैं वो क्या थी ऐसा फ्रूट ड्राई फ्रूट क्रीम जो थी वो, इतना उस खाने के बाद हम सबका इतना मूड ऑफ हो गया तो हम डायरेक्ट घर पे आ गए। अच्छा आज मैं अभी क्या बना रही हूँ मालूम है, सबका मूड ठीक करना भी तो पड़ेगा ना हमें। तो मैं आज बना रही हूँ मटन स्ट्यू, मटन स्ट्यू बना रही हूँ। वैसे आपको ये रेसिपी की बहुत जल्द मेरे चैनल पर आएगी, डेफिनेटली देखिएगा, और उसके लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंगो मंगाई थी, सुबह से मंगाई हूँ ऑनलाइन, अभी जाके आया, तो फटाफट उसे मैं काट कर उसको मैं मैंगो विथ क्रीम बना रही हूँ घर पर, क्योंकि सबका कल का मूड ऑफ है तो मैं थोड़ा ठीक करना चाहती हूँ, तो क्विकली मैं वो बना रही हूँ। और इसे फिर बनाने के बाद ऊपर फ्रीजर में रख दूंगी, तो एक घंटे में तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो चिल खाते तो मजा आएगा ना। फ्रिज में रख देती हूँ ठंडा होने के लिए। अच्छा मैंने कल एक चीज नोटिस की, मैं आज जो बना रही हूँ वो एकदम हार्जली जूस सेंटर जैसा बना रही हूँ, क्योंकि मैं कैसे करती हूँ, एक लेयर देती हूँ इसकी क्रीम की, और फिर एक लेयर इसकी, और फिर थोड़ा हम पीसेस डालते हैं इसके मैंगो के। बट मैंने कल ये नोटिस किया कि उन्होंने डायरेक्टली सारी चीज एक ही में मिक्स कर दी है, मतलब क्रीम भी और ये भी, तो मैं भी वैसे ही कर रही हूँ आज। और मैं एकदम हार्जली जूस सेंटर जैसा क्या है मैंगो विद क्रीम सबको देने वाली हूँ घर में। आई होप ये लोगों को मजा आए। लेट्स सी। तो चलिए मैं ये सर्व कर रही हूँ बढ़िया सा मेरा मटन स्ट्यू, थोड़ी सी कोथमीर और ये भी डाल देती हूँ, बढ़िया सी मजेदार मजा आएगी। चलिए मैं तो खाना निकाल रही हूँ और हम फटाफट क्विकली खा रहे हैं। अच्छा मैं मैंगो विद क्रीम बाद में सर्व करूंगी, क्योंकि अभी फिलहाल आई तो अभी ये मैंगोज अभी आए हैं, सुबह से मैंने ऑर्डर किया था, वो भी बहुत लेट हो गया, नहीं तो इसी के साथ में मैं सर्व कर देती। बट अब एक घंटे के बाद सर्व करूंगी मैं उसे, तब तक थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा ना। चलिए मैं तो क्विकली ये खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंगो विद क्रीम एकदम ठंडा ठंडा है, चिल करने रख दिया था मैंने थोड़ी देर के लिए, और ये आप देख सकते हैं मैंने उनकी तरह ही जो हाजिरी जो सेंटर है उनकी तरह ही मैंने क्रीम के साथ ऐसे मिला दिया मैंगो को, मैंगो पल्प को, और फिर ऊपर से मोटे मोटे पीस काट के मैंने डाल दिए। आप देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए। अभी मैं खा के देख रही हूँ, लेट्स ट्राई कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एकदम बना है उनके जैसा ही, आजली जूस से जगह जैसा। अजन आके ट्राई करो, अजन ट्राई मारो। बिस्मिल्लाह, कैसा लगा, कैसा है, मस्त है ना। अरफान आप भी ट्राई करो ना। ओके बिस्मिल्लाह, कैसा है? तो ये था हम लोग का व्लॉग, छोटा सा ही था, बहुत गड़बड़ हो गई थी, मजा नहीं आई कल जो हमें, हम ऐसे ही आ गए बस। फिर आज खाना पकाया और यही बस यहाँ हम खा रहे हैं, अभी वही सेम चीज बना के हम घर में एंजॉय कर रहे हैं।
और इतना ही था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, गड़बड़ वाला। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ वाले व्लॉग, ये वाला, ये गड़बड़ वाले व्लॉग को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा आपकी फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड कीजिएगा हमारा गड़बड़ वाला व्लॉग। और अगर रेसिपी तो इसकी मेरे चैनल पर है वैसे दूसरे स्टाइल में, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ, आप वहां चेक कर लीजिएगा। तो बस फिर से हाजिर होंगे एक नए शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। मामा आप तो बोलो ना बाय बाय।